अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं भिंडी कीमा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कीमा लिया है, फिर यहाँ मेरे पास प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, यहाँ मैंने प्याज लिए, यहाँ सारे स्पाइसेस आ गए, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी एंड पिसी हुई लाल मिर्च। सही है, तो चलिए अब हम जो है ना बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था, सरसों का ऑयल है तो ये ज़रा अच्छे से जल गर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डाल के फ्राई वगैरह करेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती जाती हूँ। कीमा सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे। कीमा वही जैसे मैंने पहले भी आपको रेसिपी में बताया, प्याज डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और कीमा डाल के अच्छे से भून लूँगी, फिर टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से भुनाई करके पानी डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं भिंडियाँ कटिंग करके अलग से फ्राई कर लूँगी, भिंडियाँ बिल्कुल जब मेरा कीमा भून लूँगी तो फिर मैं उसमें भिंडी ऐड करके 5 से 10 मिनट दम पे छोड़ूंगी, फिर मैं आपको उसके फाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी मैं आपको जो जो मैं करती जाऊँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया ऑयल में, प्याज ब्राउन होते थे फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ प्याज इस तरह से मैंने हल्के से फ्राई कर लिया, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन, अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको हम भूनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन को हमने प्याज से अच्छे से भून लिया है। अब मैं जो है इसके अंदर कीमा ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने कीमा ऐड कर दिया, कीमा ऐड करने के बाद हम इसको अब यहाँ भूनते जाएंगे और ये सब सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे जो जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ कीमे को इस तरह से भून लिया, भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, हरी मिर्चें मेरी। अब यहाँ टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद भी हम इसे भूनते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कीमा जो है भून चुका है। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना भिंडियाँ रखी हुई थी फ्राई करके, अब मैं कीमे के अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने भिंडियाँ इसमें ऐड कर दी। अब भिंडी ऐड करने के बाद जो है मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि भिंडियाँ मेरी गल जाएँ। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर से हरा धनिया ऐड करूँगी या पुदीना, वैसे तो घर में हरा धनिया पुदीना मिक्स डालती हूँ, आपकी अपनी मर्जी। फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी इसके फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे भिंडी कीमे की फाइनल लुक।